नमस्कार। आवाज तो तेज आनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। हम लोग दिल के लिए जीते हैं और दिल से जीते हैं, इसलिए दिल से बोलते हैं नमस्कार। मैं विवेकानंद तिवारी आप सभी का इस फॉरएवर के सक्सेस डे में दिल से स्वागत करता हूं। लगभग 5 साल पीछे की घटनाक्रम को मैं देख रहा हूं। जैसे अभी हमने अपने कंट्री मैनेजर सर का वो लाइफ स्टाइल को देखा, उनकी जिंदगी को देखा। हर किसी सफल व्यक्ति की कुछ ना कुछ कहानी होती है। जब वो पूर्व में जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी क्या थी और आज फॉरएवर ने उसकी जिंदगी को क्या बना दिया। स्टार्ट होता है प्यार का, एक सबसे बेहतर दिन होता है वैलेंटाइन डे। बिल्कुल, वैलेंटाइन डे प्यार का एक जबरदस्त दिन। और फॉरएवर में मेरी जिंदगी में एक वैलेंटाइन बन के आया। 14 फरवरी 2011 को मेरा फॉरएवर में ज्वाइनिंग है। ये तो मेरी प्यार की बातें थी। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा आता है लाइफ में जहां आप कभी उम्मीद नहीं करते, कभी उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बिहार गवर्नमेंट में मैं जॉब में हूं, एक अच्छी सी लाइफ चल रही थी, सब कुछ बेहतर था। अचानक पापा की तबीयत खराब हुई और जब वो आईसीयू में जा रहे हैं तो वहां पे रिपोर्ट आ रहा है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। सारी डायलिसिस सारे सब कुछ करने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, जिन्होंने जो बताया मैंने उसको किया। बिल्कुल मैं भगवान से बोलता था कि आखिर में कौन सी ऐसी गलती हुई, क्या हुआ कि जो अचानक मेरी लाइफ में आपने एक अच्छी हेल्थी जिंदगी, एक अच्छा जॉब, एक अच्छे सारी फैमिली और ये फिर ये पापा की जिंदगी, ये ऐसा क्यों हो गया जहाँ पे बिल्कुल मैं 2 से 3 महीने के लिए टूट चुका था, लगभग हार चुका था। सारे रिश्तेदार बोल चुके थे कि कुछ नहीं हो सकता है। तभी अचानक एक चमत्कार की तरह मेरी लाइफ में मेरे अपलाइन जो कि मेरे रिश्तेदार भी हैं उनके द्वारा पापा को देखने आए और उन्होंने कहा कि कुछ फोटो आप ले लो, पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे और मैंने उस फोटो को इस्तेमाल करना शुरू किया पापा पे और लगभग 3 महीने के अंदर जो पापा की डायलिसिस होती थी, जो टुडे टुमारो की स्थिति में थे, 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए और सारी डॉक्टरी इलाज बंद हो गए। सब कुछ हो गया। फिर मेरे भी कभी कभी ये लगता था कि सपने जैसा है और मैं हमेशा भगवान से एक ही बात हमेशा सोचता था कि जब पापा को ठीक करना था तो ये जो 3 महीने का हमारी जिंदगी को एक नर्क जैसा कष्ट दिए, एक मुसीबत दिए, ये आखिर में क्यों था। जब ठीक करना था तो फिर वो बीमार नहीं होते, वो सारी जिंदगी सारे कष्टों को हम लोगों ने सहा, आखिर में उसके पीछे कारण क्या था। आज मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में फॉरएवर का आना था। मेरी लाइफ में फॉरएवर का आना था और इस ईश्वर की तरफ से मुझे माध्यम बनाना था कि हमारे जैसे हजारों लाखों लोग जिस तरह रेड सर का इस दुनिया में आना और लाखों करोड़ों के जीवन को बदलना सही है, जिस तरह से अमरजीत सर का इंडिया में आना, इन चीजों को इंडिया के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को आर्थिक और शारीरिक हर तरह से बदलना, वही शायद उसके हम ही लोग जितने भी सब बैठे हुए लोग हैं, हम लोग एक ईश्वर के माध्यम है जहां हम अपने जैसे लोगों के जिनकी जिंदगी में बिल्कुल निराशा हो चुकी है उन्हें आशा की किरण के रूप में ईश्वर ने हमें भेजा है। स्टार्ट मैंने किया, अकेला था, मेरे पास रिजल्ट थे, अंदर से 100% विश्वास था कि अगर दुनिया में कुछ भी चमत्कार अगर हो सकता है तो फॉरएवर लिविंग ही चमत्कार कर सकता है। ये विश्वास के साथ मैं लोगों से गया, लोगों से बात किया, लोगों को समझाया। कुछ लोगों ने शुरुआत में नो कहे, वहां पे जो मेरे सीनियर थे, अपलाइन थे, जो मेरे गुरुदेव लोग थे, मैं पहला दिन उनको बता दिया था कि मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ूंगा, मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ूंगा
वो इसलिए कि मेरे हाथ कमजोर है, मैं अभी नया नया फॉरएवर में आया हूँ, हो सकता है यहाँ के प्रॉब्लम देख के, यहाँ के चैलेंज देख के मेरे हाथ आपसे छूट जाए। मेरे हाथ को आप पकड़ लो, मैं हमेशा सफल रहूंगा। और आज मेरे गुरु ने मेरे हाथ को पकड़ा, दिल में बिठाया, आज उसका नतीजा यह है। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी भी काम पे हम लोग अकेले चलते हैं, लेकिन अगर मंजिल सही हो, मैं अकेला ही बढ़ता रहा मंजिलों की ओर, मैं अकेला ही बढ़ता रहा मंजिलों की ओर, लोग आते गए और कारवा बनता गया। आज उसी कारवा की कड़ी है, आज हमारे जो प्रोडक्टमैन मिस्टर भीष्म प्रसाद जी हैं, वो हमारी टीम से मैनेजर अचीव किए हैं। आज उन्होंने जो अपने प्रॉब्लम को बताया, आज उन्होंने अपनी दादी के जो प्रॉब्लम को बताया, आज मुझे मालूम होता है कि अगर मेरे पापा की ये समस्या नहीं आती तो वो समस्या के द्वारा फॉरएवर मेरी लाइफ में नहीं आती। और यहाँ से वो सारी चीजें जो सारी कहना को जरूरत है मेरे माध्यम से, ये फॉरएवर के द्वारा नहीं मिलता। इस छोटे से 5 साल की अवधि में मैं फॉरएवर को दिल से जीता हूं। ये मेरे लिए खुशी का काम है, ये मेरे लिए मस्ती का काम है, मुझे इसमें कहीं कोई काम समझ में नहीं आया। सिंपल सा काम समझ में आया, प्रोडक्ट यूज किया, उसका दिल से फायदा मिला। और जब कहते हैं जब अच्छी चीजें लोगों को मिलती है तो लोग शेयर करते हैं, मैंने लोगों के साथ शेयर किया और लोग आते गए, शेयर होता गया। और आज हमारी टीम में 20 से ज्यादा मैनेजर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ही इस पे अच्छा पैसे या अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा हूं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हमारी टीम जी रही है। लगभग फॉरएवर ने भी, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, आज फॉरएवर से लगभग आधा करोड़ से ज्यादा रुपए मेरी लाइफ में आ चुकी है। विदेश यात्रा भी आ चुकी है, ताज जैसे 5 स्टार के बारे में, जिनके बारे में हम लोग बाहर से जाके देखते थे कि ताज को देखना है, वो सब ताज हमारी जिंदगी में आ चुकी है। बस एक ही चीज मुझे समझ में आई, जिंदगी में अपने जीने के लिए जो हम काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि आप अपने आर्थिक स्थिति की बागडोर खुद थामे, अन्यथा दूसरों के आदेश का जीवन भर पालन करें। या तो पैसे के आप गुलाम होते हैं या पैसे के आप मालिक होते हैं, चॉइस आपके हाथ में। मैं जॉब में था, पैसे के लिए काम करता था, और कहते हैं कि गुलाम और नौकर की जिंदगी कभी बड़ी नहीं होती, और जैसे हम मालिक की तरह सोचना शुरू कर देते हैं हमारी लाइफ में वहीं से बदलाव आना शुरू होती है। हम सभी के पीछे एक हीरो छुपा हुआ है, हम सभी के अंदर एक हीरो छुपा हुआ है। और कभी भी हमारे साथ वाले लोग जो हमसे कंपटीशन में, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे हीरो आगे निकले और हम उनसे बड़े हो जाए। आज हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही लोगों से बताते हैं, लोग कहना शुरू कर देता है यार तुमसे नहीं हो सकता। उन्हें कंपनी पे शक नहीं है, उन्हें प्रोडक्ट पे शक नहीं है, उन्हें मार्केटिंग प्लान पे शक नहीं है, उन्हें आप पे है। तो जवाब किसे देना है, सामने वाले को जवाब किसे देना है, हमें देना है कि हम हीरो थे, हीरो है और हीरो रहेंगे। हमने आपको समझ लिया, और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने हम इतिहास को अपने हाथों से लिखेंगे, अपने आगे आने वाली 4 पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे और पीछे वाली 4 पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे जहां मेरे नाम से लोग जिएंगे। और थैंक्स फॉर एवर, थैंक्स रक्सर, उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म दे दिया। हम लोग कहीं पे भी हो, जिस काम पे हो, सीढ़ी के हम पहली मंजिल पे हो या चौथी मंजिल पे हो या लास्ट मंजिल पे हो, एक बार जरूर रुक के देखिए कि आप जो सीढ़ी लगा रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, क्या वो आपकी मंजिल सही है। अगर आपसे पहले उस काम को करने वाले 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों की लाइफ नहीं बदली उस जिंदगी में, तो आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। अगर लाइफ बदलना है, लाइफ बदलना है, तो एक उसी शनि का बिजनेस जो फॉरएवर है, जबरदस्त है, आप उसको आइए ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जो, और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर थे, बताने में लगता था कि फॉरएवर में हम
एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हमारी आई कार्ड बनती थी। आज पूरे गौर से हम अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवा सकते हैं कि 18,000 करोड़ के लगभग टर्नओवर कंपनी के हम मालिक हैं। 160 पैसे में काम करने वाली हमारी कंपनी है, हम उसके फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं। और ये गर्व की बात है, ये सौभाग्य की बात है, ये ईश्वर का कृपा है हम पे कि हमें फॉरएवर हमारे किसी ने बता दिया। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि वो फॉरएवर हमें समझ में आ गया। और ये सक्सेस डे ये दिखाता है कि जो आप ड्रीम लेके स्टार्ट किए हो वो कोई असंभव ड्रीम नहीं है। अगर असंभव ड्रीम होता तो ये स्टेज पे वो सारे सक्सेस लोग नहीं होते। इसीलिए सक्सेस डे बताया जाता है कि आपका मंजिल है, बस यहाँ से यहाँ तक का पूरा करना है और एकदम आसान है। प्रोडक्ट यूज करना है, 13 लोगों को बता देना है, 13 लोग 13 लोगों को बता देंगे, 120 सीसी खेल खेल में हो जाएगा। बस दूसरे के भलाई करने के लिए दिल में हिम्मत रखिए। थैंक यू वेरी मच।